बढ़ गए हैं, आपको वस्त्र चाहिए, आपकी सारी राज घर पहुंचा देता हूँ सारी सामग्री। बोले नहीं महाराज, नहीं राजन, हमें केवल तीन पग भूमि चाहिए, दे सकते हो? बलि कहा, महाराज आज तक हमने किसी को ना नहीं बोला, उसके लिए हमारे प्राण क्यों ना निकल जाए, हर आज्ञा पूरी करता, हर की मांग पूरा करता हूं। इसलिए बलि आज बलि है, आज बलि के नाम से जाना जाता है, इसी कारण, क्योंकि उन्होंने पीछे नहीं हटा, जो उन्हें प्रण लिया वो उसे माना। तब कहते ठीक है, जब तुम तीन पग भूमि में खुश हो ब्राह्मण, तो हम तैयार है, किस प्रकार लोगे, लो ले लो, नाप लो तीन पग भूमि। भगवान कहते इस प्रकार नहीं, हाथ में जल लो। कमंडल से हाथ में जल गिराने लगे तो शुक्राचार्य जो है कमंडल के जाकर मुंह में फंस गए, जल गिरने नहीं लगा। शुक्राचार्य समझ गए कि एक विष्णु है, ये छलिया ब्राह्मण का रूप लेकर आए हैं, ये तीन पग में क्या क्या नाप ना दे, पूरी संसार ना नाप ले। शुक्राचार्य समझ गए, वो जाकर कमंडल की मुख पे जाकर घुस गए। जब जल नहीं निकलने लगा तो बलि ने पूछा, क्या महाराज जल नहीं निकल, हम जल मंगाए क्या? कोई बात नहीं, हमने मुख से वचन दे दिया, तीन पग भूमि नाप लो। बोले नहीं महाराज, पहले जल निकल जाओ, पहले लगता है इसकी कमंडल में कुछ फंस गया है। भगवान हाथ में एक डंडा लेते हैं और कमंडल के मुख में घुसाते हैं, शुक्राचार्य के आंख में लगता है, आंख फूट जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कार में अगर पैर डालोगे तो ऐसे होंगे, अगर भगवान के कार में विघ्न करोगे तो आपके इसी प्रकार की गति होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने रोकना चाहा, उनकी आंख में वो डंडा लगी, आंख फूट गया, बाहर निकल के आ गया। बोले ठीक है महाराज, जो कीट फंसाता वो कीट निकल गया, आप जल लीजिए हाथ में। हाथ में जल लेते हैं, संकल्प करते हैं, बोलिए आज हम एक ब्राह्मण को तीन पग भूमि दान देते हैं, वो ब्राह्मण अपने मन से नाप ले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं, छत्रो दस्तम शस्त्राणि मुद्रिका च कमंडलो आसनम भाजनम भोज्यम पदम चाति विधिमृतः। भगवान ने ब्राह्मण बामन जो भगवान है वो नापना शुरू किए, पहला पग उठाए, पहला पग में पूरी धरती नाप ली, दूसरा पग में पूरे जलवायु आकाश नाप लिए, दूसरा पग में कोई भी चीज वस्तु ना रही जो बाकी रह गया हो, पूरी संसार पाताल दो पग में ही नाप लिए भगवान। तब कहते हैं, द्वि पगंबरम गत्वा आकाश पातलम गतः, तृतीय पदंबरम गत्वा नागते नहुतः। हे बलि, तीसरा पग कहाँ रखे, कोई स्थान शेष नहीं बचा, अब हमें बताओ तीसरा पग कहाँ रखो, दो ही पग में तुम्हारी सारी सृष्टि को नाप लिया, पूरी संसार पूरे पग दो ही पग में नपा गए हैं, एक पग कहाँ रखे, क्योंकि तुमने तीन पग का संकल्प लिया है और संकल्प पूरा करना तुम्हारा धर्म है। बलि ने पीछे नहीं हटा, राजा बलि अड़े रह गए अपने प्रण अपने संकल्प पर। बोले महाराज, ये संसार मेरा नहीं है, अब सब आपकी है, लेकिन मेरा शरीर मेरा है, तीसरा पग जो है मेरे मस्तक पे रख दीजिए। बलि आसन लगाकर दंडवत करके बैठ गया। भगवान कहते हैं, जैसी तेरी इच्छा। तीसरा पग उन्होंने उठाया और बलि के सर पे रखा, बलि नीचे 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 जाते जाते पाताल लोक चले गए और उनकी गति हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली बावन भगवान। इसी प्रकार से सीताराम 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 कहिए जय।
का विधाया खाली लाभ सहिए विधि का विधान जान खाली लाभ सहिए से दूजी आशा छोड़ दे।